आदिपुरुष के मेकर्स ने जो बनाया है उसने सारे देश में तहलका मचा दिया है। क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पर सारा रामायण ही बदल दिया। लेकिन अब इतनी घटिया चीज बनाने के बाद ये बस किसी तरह से अपने पैसे जो कि टी सीरीज ने 700 करोड़ इसमें फूके थे वो रिकवर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें इस फिल्म के मेकर्स का दोगलापन साफ नजर आ रहा है। ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। पब्लिक के रिएक्शन से ये बोखला गए हैं और कुछ भी बके आईमेन बोले जा रहे हैं। इस फिल्म के छपरी डायलॉग्स को लेकर मनोज को बहुत ज्यादा ट्रॉल किया जा रहा है और ऐसा रिएक्शन देखकर मनोज मुंतशिर ने फटाफट से मीडिया को पैसे खिला के आईमेन कई न्यूज चैनल पर आकर अपने किए हुए कांडों की सफाई दी है। लेकिन हड़बड़ाहट में ये भूल गए है कि पास्ट में उन्होंने क्या ज्ञान पेला था, तुम खुद ही देख लो। हम ओरिजिनल रामायण से हटे हैं क्या? हमने उसको मॉडर्नाइज करने का कोई प्रयास किया है क्या? हमने कोई अलग टेक लिया है? तो इसका सीधा जवाब यह है देवांग जी, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल जो रामायण लोगों ने सुनी है, पढ़ी है, देखी है, एग्जैक्टली वही रामायण है, कुछ भी अलग नहीं। तो वह लोग, ये वीडियो है टीजर रिलीज के बाद का, जब लोगों ने खोल के इनकी मारी थी। आई मीन लोगों ने इन्हें ये कह के ट्रॉल किया था कि इन्होंने रामायण के साथ छेड़छाड़ की है, तो उस वक्त अपने कांड पर पर्दा डालने के लिए इन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया था। लेकिन मूवी रिलीज होने के बाद ये क्या कह रहे हैं तुम खुद देख लो। जब हम आदिपुरुष बना रहे हैं तो पहली बात तो दो तीन चीजें मैं एकदम स्पष्ट कर दूं, मैंने पहले भी कही है और अभी स्पष्ट कर देता हूं। हमने रामायण नहीं बनाई है, हम रामायण से प्रेरित हैं हमेशा। हमारा अगर आप डिस्क्लेमर भी देखेंगे तो हम यही कहते रहे। अबे गधे, मेरा मतलब है मनोज जी, जरा ध्यान रखा कीजिए कि आप क्या फेंक रहे हो, और कई पास्ट में आपने कुछ और तो नहीं फेंका था। वैसे ये बेचारे भी कहाँ तक पर्दा डाल पाएंगे, उम्र राउत ने इतना बड़ा छेद किया है कि उसे ढक पाना लगभग नामुमकिन है। लेकिन बाबू ये पब्लिक है, ये सब जानती है, और कुछ लोग तो इंटरनेट पर बस दिन भर बैठे रहते हैं। इनका काम बस बड़े लोगों की गलतियां पकड़ना होता है, जरा सी गलती मिली नहीं कि सीधा वायरल कर देते हैं, और इतना खतरनाक काम ये बिना फीस लिए करते हैं, और आपको भी इन्होंने दबोच लिया। वैसे सही है, आज अगर इन्हें कुछ नहीं कहोगे तो कल कुछ मेकर्स मुंह उठा के चले आएंगे और ऐसी टट्टी फिल्में से अपनी जान लेंगे। तो जो हुआ मेरे हिसाब से बिल्कुल सही हुआ। वैसे तुमको क्या लगता है, आदिपुरुष में जो छपरी डायलॉग्स डाले गए हैं या फिर आदिपुरुष को जो पूरी तरह से रामायण से बदल कर कुछ और ही बना दिया है, उसके बारे में तुम्हें क्या लगता है मुझे कमेंट में जरूर बताना। और साथ ही में ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो।